रामपुर में जनपद न्यायालय में वारंट जारी होने के बाद सपा नेता और पूर्व सांसद जयाप्रदा पेश हुई, जहां न्यायालय ने उन्हें 2 घंटे तक न्यायिक हिरासत में खड़े रहने की सजा दी। जयाप्रदा को कोर्ट ने 20,000 रूपये के जमानत पेश करने के लिए आदेश दिए, साथ ही आने वाले सभी तारीखों पर न्यायालय में उपस्थित रहने की हिदायत भी दी। मीडिया से बात करते हुए बाद में जयाप्रदा ने कहा कि मैं रामपुर से 2 बार सांसद रही हूं और उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का सम्मान करती हैं और लगातार कोर्ट में हाजिर होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि वो किडनी की बीमारी की वजह से न्यायालय में पेश नहीं हो सकी थी। जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से, आई वॉज अनवेल, मेरी बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई, तो आज भी मैं ऐसी हालत में आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ अबाइड मैं इंसान हूँ, मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है। अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी कि तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी और ये जो हैं ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने उनके और रिकाल प्रार्थना पत्र डाला था। माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये की नई जमानती और बंद पत्र को और इस शर्त के साथ कि आप प्रत्येक तिथियों पर माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी और अनावश्यक जो हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और न्यायालय में जो मुकदमे हैं उसको निस्तारण में विलम्ब नहीं करेंगी, इस शर्त के साथ उनके जो है अधिकार प्रार्थना पत्र न्यायालय ने स्वीकार किया।